अब मस्जिद अक्सा इंशाल्लाह मुसलमानों की होगी। इतना विश्वास है कि जीत फिलिस्तीन की होगी, जीत फिलिस्तीन की होगी। अपनी लाशों से तारीख को आबाद रखेंगे, वो मार मारेंगे फिलिस्तीनी की, इजरायली भी याद रखेंगे। अगले 200 साल तक ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। जी इजरायल के साथ है, देश इजरायल के साथ है, आप जैसे गद्दार फिलिस्तीन के साथ। मोदी मोदी हम ही करें, मोदी ने क्या जीत मानो, क्यों मानेंगे मोदी का, क्या मानेंगे तुम मानेंगे बताओ। तुम कौन सा बीजेपी शुरू है? इजराइल में 18 घंटा बोलेंगे, हमारी प्रक्रिया में मैं डर गई दलाली करने मत, मणिपुर वो लोग खलीफा आपके साथ, हमें जो बात रखनी है। क्या खलीफा फिलिस्तीन के साथ है? वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, खुश हैं हम नहीं जानते। मियां खलीफा आपके साथ, हम इस तरह के प्रश्नों को उत्तर नहीं दे रहे। ताकतवर देश है, ठेंगा है, ठेंगा है, ठेंगा। अल्लाह को मिटाने वाले, अल्लाह की उम्मत को मिटाने वाले, अल्लाह के नूर को मिटाने वाले, नबी का नाम मिटाने वाले बहुत से आए, बहुत से लोग यहाँ पे तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन कोई भी मिटा नहीं पाए। हो रहा है जैसा फिलिस्तीन के ऊपर दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने कब्जा करने की स्थिति है, गाजा को बर्बाद कर चुका है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, फिलिस्तीन कहीं ना कहीं हावी है इजराइल पर, फिलिस्तीन हावी है, 5,000 मिसाइल दाग दी गई है, डरा है इजराइल, और सिर्फ हवा बना रहा है, जैसे डरने के बाद आदमी हवा नहीं बनाता है, वो हवा बना रहा है, वो डरा रहा है, लेकिन सही मायने में इजराइल पूरी तरह से तबाही की ओर है, अंतिम युद्ध है, और फिलिस्तीन युद्ध जीत लेगा, जीत लेगा, फिलिस्तीन जीत लेगा। अगर उस जिस तरह से अमेरिका ने कुछ हथियार भेजे, अगर रसिया ने कुछ हथियार भेज दिए, चाइना ने कुछ हथियार भेज दिए, तो इजराइल खत्म हो जाएगा, इसका जान लो। हाँ, अलक्सा मस्जिद का क्या होगा? मस्जिद अक्सा वो जब खत्म ही हो जाएगा इजराइल का, तो फिर जिसका है उसको मिल जाएगा, पार्टी खत्म, भाई जिसका जो चीज है उसको वो चीज मिल जाएगी। कहीं के लिए लड़ाई हो रही है? ये इंसानियत, इस्लामियत और रूहानियत की लड़ाई है भाई, इंसानियत ये अपने हक की लड़ाई है, ये अपने हक की लड़ाई है भाई। मेरी चीज मैं क्यों छोड़ू, मेरी चीज मैं क्यों छोड़ू बताइए, आप पागल दीवाने हैं क्या? मैं आपसे आपकी चीज छीन लूं, मैं आपसे आपके माइक छीन लूं? कभी लेकिन जो इजराइल की तरफ से तो हमास लड़ रहा है ना भाई, हमास तो आतंकी संगठन है। हमास वहां, हमास एक वहां के हिसाब से फिलिस्तीनियों के लिए फ्रीडम फाइटर है, और फिलिस्तीन भी फ्रीडम फाइटर है, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप बताइए, नमाज पढ़ते हुए नहीं माना जाता, ये कितने इलाकों फिलिस्तीनियों को आपने मौत के घाट उतार दिया, क्या मजाक है आपका? आप गोली अपने बच्चों को मारते हैं, स्कूली बच्चा जा रहा था आपने उसको गोली मार दी, ये आतंक। और आप कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, शर्म नहीं आती आपको? ये झूठ बोलने वाले जिसने आपको रहम खा के जगह दी। अरे आप ये बताइए, आप जो है खुद एक हिंदू है, संत है, सारे लोग तो जो है इजराइल के साथ है, आप लोग क्यों फिलिस्तीन के साथ हैं? आप देशभक्त है भी या नहीं है? कई संतों से बात हो रही है, अस्तित्व की लड़ाई है। राम मंदिर के टाइम पे भी कई संत ने फिलिस्तीनियों में, फिलिस्तीन की उसमें मसले पे साथ दिया था, और कई संत ये भी चाहते हैं कि फिलिस्तीन को उसका हक मिले, जैसे हम अपने लिए फ्रीडम फाइटर थे, वैसे वो भी अपने लिए फ्रीडम फाइटर। मोदी जी इजराइल के साथ है, देश इजराइल के साथ है, आप जैसे गद्दार फिलिस्तीन के साथ है। अब क्या अटल बिहारी वाजपेयी भी गद्दार थे, जिन्होंने ये बयान दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम फिलिस्तीन के अस्तित्व के लिए समर्थन करेंगे? आप जैसे लोग गद्दार है देश से, अटल बिहारी वाजपेयी भी गद्दार है, बोलो बोलो बेहतर में, बोलो बोलो बत्तमीजी मत, बोलो बोलो। आप विदेश नीति के साथ रहिए, आप प्रधानमंत्री के साथ रहिए, तो आप उस वक्त के प्रधानमंत्री का बयान है और प्रधानमंत्री का बयान है, वर्तमान में रहिए। क्यों वर्तमान में रहे भाई आप आतंकवादियों के साथ दे रहे हैं? आप किसी मुल्क हमास के साथ है, हमास आतंकवादी संगठन। अच्छा ये बताइए, अंग्रेजों की लड़ाई में, अंग्रेजों की लड़ाई में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए समर्थन करेंगे, कुछ तो शर्म बची होगी। शर्म आपको आनी चाहिए, कोई रेप वेप नहीं हुआ है वहां पे, यहाँ से बेहतर मुसलमान है, वहां टिकटॉक पे ना जाना नहीं करते वो लोग। फिलिस्तीन जुल्म कर रहा है इजराइल के ऊपर, इजराइल जुल्म कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, बेहतर दलाली मत करो मोदी की, आप दलाली करने मत आया करो यहाँ पर। आप लाखों फिलिस्तीनी मर चुके हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, आप उनको बता रहे हो इजराइल कह रहा है ऐसा सबक सिखाएंगे फिलिस्तीन को, याद रखेगा ऐसा सबक सिखेगा इजराइल खत्म ही हो जाएगा, निस्ते नामूत हो जाएगा। अल्लाह अपना, हम तो कहते हैं अल्लाह नबी लास्ट नबी पैगंबर भेजे थे, कोई फरिश्ते भेजे, कोई अपने उम्मत के बचाने के लिए कोई ताकत भेजे, अपनी ताकत से लड़ रहे हैं फिलिस्तीनी, बच्चा बच्चा लड़ रहा है, धूल तो चढ़ाई देगा इनको, मिट्टी मिला देगा फिलिस्तीन को, इजराइल को मिट्टी में मिला देगा, इजराइल को मिट्टी मिला देगा फिलिस्तीन, लिख लो खत्म फिनिश्ड। लोग कह रहे हैं सिर्फ मुसलमान साथ हैं, बस अमेरिका ने भेज दिया, एक बार रसिया और चाइना को उतरने दो बस मैदान में, दूध का दूध, शांति की अपील करिए ना भाई। अगर वो भाई इजराइल मान जाए, छोड़ो जमीन उनकी, कब तक छोड़े,
मस्जिद अक्सा ईसाई फिलिस्तीनियों का था है और रहेगा। अगर हम राम मंदिर के संघर्ष करेंगे तो हम मस्जिद अक्सा के लिए ही बोलेंगे, जो इसका उसको मिले, मस्जिद जो इसका है उसको मिले। आपकी है मस्जिद, आप क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? आपका क्या लेना देना? चालीस करोड़ मुसलमान यहाँ भी रहते हैं बेशर्मो दलालो, लेना एक ना देने दो। हिंदू मुसलमान की तो शायद करते हो तुम लोग बैठ के यहाँ पर, क्यों लेना देने दो? आज अगर इस देश में 40 करोड़ मुसलमान की आस्था का प्रश्न है और बार बार फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा, तो आप कैसे साथ दे सकते हो उसका, जबकि आपकी मेजोरिटी है? आप किसके साथ है, देश के साथ है कि नहीं है, भारत के साथ है? मोदी देश नहीं है बेशर्मो दलालो, मोदी देश नहीं है भैया, मोदी ने समर्थन किया है देश में अभी भी। हमारा मित्र कौन है? इजराइल हमारा मित्र है, फिलिस्तीन भी है। हैप्पीनेस थ्योरी के अनुसार जो उन्होंने 2017-18 में ये यात्रा की थी उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हम दोनों को साथ देंगे, जब उनकी पार्टी की विचारधारा में फिलिस्तीन का समर्थन पूरी पार्टी के नेता करते आए हैं आप पे जो थे, वो कैसे लग जा सकते हैं? इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ, क्या आपको लग रहा है? कई लोग ये कह रहे हैं मीडिया दलाली का प्रश्न है, पैंगेगेस का प्रश्न है, जासूसी का प्रश्न है, महंगे महंगे डील करा के फायदे पहुंचाने का रिस्क है, हम समझ रहे हैं दलाली। इजराइल ताकतवर देश है, ठेंगा है, ठेंगा है, ठेंगा दलालो, ठेंगा, अंधभक्ति वाले काम मत करो। अब ये कहा जा रहा है अंधभक्ति मत करो, मोदी विश्व गुरु है, इजराइल में 18 घंटा बोलेंगे मणिपुर के लिए, मैं डर गई दलाली करने मत, मणिपुर बोलो गए है हिम्मत। अरे जो मुद्दा है उस पे बोलो। अरे तो मुद्दा क्या, ये मुद्दा मणिपुर मुद्दा नहीं है, दलालो दलालो के लिए मणिपुर मुद्दा नहीं है, फिलिस्तीन इजराइल मुद्दा है। देख लो सुनिए पंडित जी, आप एक बार, मोदी भी इसी तरह करता है, तुमको इसीलिए भेजा यहाँ पे। आप मोदी का विरोध करने के लिए आतंकवादी को साथ देंगे? कोई आतंकवादी नहीं, वो फ्रीडम फाइटर है, हमने भी हमारे भी आतंकवादी है, हमारे भी अगर अंग्रेज हमको आतंकवादी कहते हैं तो हम अपने लोगों को फ्रीडम फाइटर करते हैं, कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? भगत सिंह कौन है? भगत सिंह कौन है दलाल बताओ? आप भगत सिंह से तुलना कर रहे हो? क्यों नहीं करेंगे भाई, वो भी तो मुल्क के लिए लड़ रहा है। मासूम इजराइलियों की जान ले ली, मासूम, और जो लाखों लोग मर गए वो दलालो। अरे तुम्हारे ही जमीन, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा माइक मैं छीन लूं और तुम हम इसको छीनने के लिए मेरे संघर्ष। सुनो सुन तो, अरे सुन तो, अरे सुनो बेसरमो सुनो तो, अगर मैं तुम्हारा माइक छीन लूं अब तुम इसे लेने के लिए हमसे संघर्ष करो तो तुम आतंकवादी हो दलालो, बोलो। दलाली करने चले आते हो, पता होता कुछ है नहीं, पढ़ के आया करो दलालो, पढ़ो क्या हो रहा है इस देश में, मुल्क में। और अमेरिका, अमेरिका तो हमेशा से युद्ध में शामिल रहा है, खत्म करने के चक्कर में रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन सवाल पंडित जी ये है, आप ये बताइए, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि ये जो युद्ध है शुरुआत तो कर दी फिलिस्तीन ने, अंत करेगा इजराइल। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं फिलिस्तीन इसका अंत कर देगा, इजराइल नेस्तनाबूत होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर अल्लाह को मिटाने वाले, अल्लाह की उम्मत को मिटाने वाले, अल्लाह के नूर को मिटाने वाले, नबी का नाम मिटाने वाले बहुत से आए, बहुत से लोग यहाँ पे तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन कोई भी मिटा नहीं पाया। बहुत बड़े बड़े सिकंदर महान ये वो आए, मैं खुदा, लेकिन सब मिट गए। जो सच है, जो हकीकत है, वो ये है कि आप कहीं ना कहीं इसराइल का खात्मा होना शुरू हो चुका है, और देश के प्रधानमंत्री को अपने इस समर्थन में पछताना होगा। ये चुनावी स्टंड है, एक चुनावी मामला है, फिर कुछ दलाली होगी, फिर कुछ संगठन होगा, फिर कुछ सारगट पैसे की होगी, इसलिए ऐसा। आप फिलिस्तीन के साथ है क्योंकि वहां मुसलमान है? ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं इतिहास, मैं बार बार कहूंगा, जिसने जमीन आपको दी रहने के लिए, आप कब्जा कैसे कर सकते हो उस जमीन पे, कैसे कर सकते हो उसके आप? अरे वहां आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है ना, ठेंगा आतंकवाद, फेंका आतंकवाद, डालो दलालो आतंकवाद भाई, बाबा करो आतंकवाद आ रहा है, कहाँ आतंकवाद आ रहा है भाई, वो अपने जमीन के लिए भाई। तुमने ऐसा कहता, भारत के जितने भी लोगों ने अपने देश के लिए आदि की लड़ाई लड़ी थी वो आतंकवादी थे, बोलो बेशर्मो दलालो, बाबा करो आतंकवादी हैं, पढ़ लिख के आया करो। अब फिर बोल रहा हूँ, नहीं मिलेगा वो बक्सा इन इजराइलियों को, ये मरते मरते मर जाएंगे, रोते रोते मर जाएंगे, सर पटकते रहेंगे दीवारों। आप एक बात बताइए, ये दीवारों में सर पटकते हैं, रोते रोते हैं ना, इतने होशियार है, हालांकि है नहीं, तो आपके हिसाब से दुनिया तो नहीं चलती है, दुनिया तो इजराइल के साथ है, कुछ सोच समझ के ही होगी। दुनिया इजराइल के साथ, देखो पागल, कोई पागल, अरे अमेरिका इजराइल के साथ है, भारत इजराइल के साथ है। अच्छा ठीक हो गया, हां रशिया किसके साथ है? रशिया, चाइना किसके साथ है? तुर्की ने कल बैठक की है। अरे दलालो यही दो दो तीन चार भाई, मियां खलीफा भी आपके साथ है। देखिए इस तरह के प्रश्नों का हम उत्तर नहीं दे सकते, क्षमा चाहते हैं, जिनको जो समर्थन करना है वो उनका व्यक्तिगत निजी राय है। मियां खलीफा आपके साथ, हमें जो बात रखनी है, मियां खलीफा फिलिस्तीन के साथ है, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, खुश हैं हम नहीं जानते। मियां खलीफा आपके साथ, हम इस तरह के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते, क्षमा चाहते हैं। आज के मसले में अगर इजराइल की बात करें आप, तो अमेरिका ही साथ दे रहा है, लेकिन अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर रसिया और चाइना ने दे दिया फिलिस्तीन का साथ,
और इस्लामिक कंट्रियां कूद गई, तो इस बार अमेरिका को भी समझौता करा के इसराइल को पीछे रहना पड़ेगा। अब मस्जिद अक्सा इंशाल्लाह मुसलमानों की होगी, बस दैट्स इट। तो आपको क्या लग रहा है जो युद्ध है इसका परिणाम क्या होगा और भविष्य क्या होगा? अपनी लाशों से तारीख को आबाद रखेंगे, वो मार मारेंगे फिलिस्तीनी की, इजरायली भी याद रखेंगे। अगले 200 साल तक ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। हुकूमत क्या, ये भीख मांगेंगे, भीख याद रखना तुम। अब की वो जो जंग हुई ना, फिलिस्तीन भीख मांगेगा, इजराइल भीख मांगेंगे, भीख। ये फिलिस्तीनी इतना मार मारेंगे इनको, इस बार याद रखना इस बार तुम। इस्लामी दुनिया साथ नहीं आ रही है, वो वक्त बताएगा। अभी कल चर्चा हुई है, टर्की ने कुछ बात रखी है और भी इनके संगठन बात कर रहे हैं, लेकिन इतना विश्वास है कि जीत फिलिस्तीन की होगी, फिलिस्तीन की जीत होगी, फिलिस्तीन की जीत होगी। इतना अंधा समर्थन क्यों कर रहे हैं? अरे बस करो जाओ। क्या फिलिस्तीन के लिए आप देश से गद्दारी कर देंगे? कोई देश नहीं भाई, सबका अपना अपना मत होता है। कई हमारे कांग्रेस भी इस देश में प्रधानमंत्री को उम्मीदवार रखती है, उसने भी समर्थन किया है, ओवैसी ने भी किया है, आपके नेता है, तो बस ठीक है। कंट्रोवर्सी होती है हर देश में, ये लोकतंत्र है, कोई दल्लागिरी तो है नहीं कि जब मोदी ने कहा फिलिस्तीन जीत, दल्लागिरी तो है नहीं। आप कहो दलाली मोदी हम ही करें, मोदी ने कहा तो मानो, क्यों मानेंगे मोदी का, क्या मानेंगे, क्यों मानेंगे बताओ, तुम कहो दलाली करो। ओवैसी तो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल रहे हैं, बोलेंगे फिलिस्तीन जिंदाबाद, हम भी तो बोल रहे हैं फिलिस्तीन जीतेगा। तुम दलाली करो ना, मोदी करा तुम करो दलाली, हम ही करेंगे बस। आप चाहते हैं आतंकवाद का परचम ले रहे? कोई परचम नहीं रहेगा आतंकवाद का, हम भी इतने समझ में है। आतंकवाद कितना मणिपुर में चल रहा हो हमें ना बताओ, दलाली करने माई पीछे यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा, हमें ना बताओ दलाली मणिपुर में बोलोगे? है प्रधानमंत्री की हिम्मत? आपको नहीं लग रहा है जिस तरीके से इजराइल के लोग मणिपुर, अरे मणिपुर मणिपुर, अरे मणिपुर का 18 घंटे इजराइल पे है मणिपुर, लो मणिपुर बोल ही नहीं पा रहे हो, ठंडे पड़ गए, मैं तो डर गई, वही कह रहे तुम्हारे बस का नहीं, जाओ जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं ले पाएंगे भाई, कह तो रहे फिलिस्तीनियों को जीने दीजिए, उनकी हक है, उनको जमीन को लेने दीजिए, पूरा मुल्क उनके साथ रहेगा, सभी दिन उनके साथ रहेंगे। क्या आप नहीं मानते कि फिलिस्तीन के अंदर जो हमास जैसे आतंकी संगठन है उसका खात्मा होना चाहिए, जो सिविलियन है उनको नुकसान ना पहुंचे? मतलब जितने भी हमारे यहाँ पार्टी अदर विपक्षी पार्टी है और सब पार्टी जब आतंकवादी संगठन है, क्या मजा आके भाई वो चुनाव जीतते हैं वहाँ पे भाई, नेता है वहाँ के। अब आखिरी सवाल है, कितने दिन और चलेगा युद्ध, आपको क्या लग रहा है संत की क्या भविष्यवाणी है, कब तक खत्म होगा? अब 11 या 21 दिन में निपटा देंगे इजराइल को। हाँ 11 से 21 दिन में पड़ जाएगा इजराइल, 11 दिन में 11 से 21 दिन में इजराइल निपटा दी जाएगी, खत्म खत्म इजराइल खत्म, अगर नहीं माना तो खत्म।